आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और SW24 News के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं, पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता में हम रोज़ किसी एक पत्रकार से चर्चा करेंगे। ये चर्चा शहर के मुद्दों पर आधारित होगी, शहर की समस्याओं पर आधारित होगी, राजनीति पर आधारित होगी और उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे कवर हो सकें। असल में पत्रकार की निगाह हर खबर पर होती है, वो हर खबर की डेप्थ तक जाता है, उसे पता होता है कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कहाँ उसके समाधान हैं। रिजवान अंसारी साथ में है, आपसे हम बात करेंगे खंडवा के जल संकट को लेकर। खंडवा में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बावजूद इसके समस्या यथावत है, जहां की तहां है। हमारे साथ में रिजवान भाई मौजूद हैं, हम रिजवान भाई से बात करेंगे खंडवा के जल संकट की। पिछले करीब 15 सालों से खंडवा में जल संकट को लेकर विकराल स्थिति बनी हुई है। अभी नवंबर आने वाला है, इसके बाद भी खंडवा में जल संकट की स्थिति दिख रही है। खंडवा में पिछले दिनों कुछ लोगों ने सड़कों पर चक्का जाम किया, मटके फोड़े। पानी को लेकर खंडवा की क्या स्थिति है, रिजवान भाई आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं इसे? पर धन्यवाद आसिफ भाई, पहले तो SW24 चैनल को खंडवा में आए हुए और स्टेट लेवल पर भी काम कर रहा है बधाई। एक अच्छा कार्यक्रम को शुरुआत किया जनहित के मुद्दों के लिए, उन्होंने पत्रकारों से उनका व्यू जानना चाहे। बात खंडवा की जल संकट की आप कर रहे हैं, यदि खंडवा के हम जल संकट की बात करें तो दो वितरण केंद्र थे, नागचुन और भगवान सागर जसवाड़ी के थ्रू जो पानी आता था, पानी शहर बढ़ रहा था, पानी की इस संकट की स्थिति थी। लंबे समय से नर्मदा जल की डिमांड थी पानी लाने की, वो डिमांड भी हुई, 125 करोड़ की योजना बनी, पानी भी आया। बाकी कहीं ना कहीं राजनीतिक जिसको इच्छा में कहीं कहीं कमी के चलते उन संसाधनों से समझौता कर लिया गया जो अच्छे क्वालिटी की चीज़ें हैं, जैसे राइजिंग लाइन बदली गई। बिल्कुल, तो वो मेटेलिक लाइन होनी थी या ऐसा लाइन होनी थी कि जो जैसे हम लाइन देखते हैं कि यहाँ से जो ओंकारेश्वर से पानी गया उज्जैनी तक पानी गया, उज्जैन के लिए पाइप लाइन हम देखते हैं रोज आते जाते हैं, नर्मदा शिप्रा लिंक जो योजना थी, एक जगह उसमें हमको लीकेज नहीं दिखता। बाकी पता नहीं क्या स्थिति ऐसी बनी कि खंडवा में आईजन पाइपलाइन फूटती है, हल्के पाइप डाल दिए गए, जिसके चलते आज भी शहर का जल संकट वहीं खड़ा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि गर्मियों में तो जो स्थिति बनती ठीक है, बरसात में और ठंड के समय में भी, ठंड शुरू होने वाली है, आज भी लोगों में शहर में दृश्य दिख रहे हैं कि लोग मटके फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद नगर इलाके में अब भी मतलब बहुत ज़्यादा जल संकट है, वहाँ पर पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आया है। तो ये सारी जो स्थितियाँ बन रही है, मतलब इसके अंदर जो हम जो देख रहे हैं, क्या ये पूरा राइजिंग लाइन का ही खेल है इसके अंदर? जो राइजिंग लाइन में इन्होंने पाइप लाइन चेंज करी थी, पहले इसके अंदर इन्होंने बीड़ के पाइप लगाने चाहिए थे, बाद में उसको प्लास्टिक के पाइप कर दिए। इस सारी जो इन्होंने बदलाव किया उसके अंदर MOU के अलावा, उससे दिक्कत पैदा हुई है या और भी कोई कारण है? मूल टेक्निकल वजह तो मूलता वही है, क्योंकि आपकी पाइप लाइन जो शहर को सप्लाई जो कनेक्ट कर रही है वहाँ से 48 किलोमीटर दूर से, वो पाइपलाइन यार हर दूसरे दिन तीसरे दिन फूटेगी, एक दिन आपको रिपेयर करने में लग रहा, दो दिन रिपेयर करने में लग रहा, तो वो तो पीरियड आपका जल संकट निर्मित हो गया। फिर आपको आप डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो टंकियां बनाई आपने शहर के अंदर, वहाँ पानी आपका भंडारण नहीं हो पा रहा, जब वहाँ भंडारण नहीं हो पा रहा तो आप कम समय पानी दे रहे हैं, कम फोर्स से दे रहे हैं, तो ये कृत्रिम रूप से भी पैदा हो रही शहर के अंदर आके स्थिति। तो कुल मिला के यदि हम उस योजना को हम देखें तो आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि खंडवा को जिस नर्मदा जल पाइपलाइन की सौगात मिली थी वो फेल हो चुकी है। नर्मदा जल योजना की जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि पानी 3 माले ऊपर चढ़ेगा, बिना मोटर के चढ़ेगा, किसी को कोई उसके लिए मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पानी के फोर्स की स्थिति यह है कि नीचे भी अगर आपको ग्राउंड लेवल पर पानी पहुँचाना है उसके लिए भी मोटर लग रही है। तो ये जो सारी तकनीक के मामले में भी फेल हुए हैं, इसके अंदर कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी कोई बात है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है ये कोई बात है या कोई अन्य बात है? ये एक चीज़ सबको या तो इस चीज़ को जांच में लिया जाए कि जो पाइपलाइन मटेरियल जो जिस मटेरियल की पाइपलाइन डलनी थी वो डल नहीं पाई, तो उसको जांच के विषय हो। दूसरा, फिर एक प्रपोजल विधायक देवेंद्र वर्मा जी ने दिया कि फिर से 3 करोड़ रुपये उनको चाहिए, 20 करोड़ 25 करोड़ रुपये, तो आखिर कब तक ये चलेगा?
जब विधायक अपना मंत्री विजय शाह की पत्नी यहाँ से महापौर को चुनाव लड़ रही थी, उस समय कहा गया कि आप इनको चुनाव जिताइए, विधायक महापौर के साथ मंत्री फ्री मिलेगा आपको, तो और उस दौर में सब ये चीज़ें हुई। तो विजय शाह जी को एक मौका मिला था कि खंडवा लोग, खंडवा जिले से वो जीत के जाते हैं, इतने सालों से ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मंत्री बन के जाते हैं, खंडवा शहर को एक सौगात देने का एक मौका मिला था उनको, उसको गंवा दिया उन्होंने, ये कह सकते हैं। सही बात है। असल में ये जो पूरी योजना है, इस योजना को खंडवा में पहले इसकी इसलिए स्वीकृति मिली थी कि ये अल्पसंख्यक बहुल ज़िला है, अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों के लिए केंद्र शासन ने इस तरह की एक योजना बनाई थी कि वहाँ पर पानी और इस तरह की योजनाओं को विस्तार दिया जाए। पहले ये योजना 100 करोड़ रुपए की थी, इसके अंदर 80 करोड़ केंद्र ने दिए थे, 20 करोड़ रुपए नगर निगम को खर्च करने थे। नगर निगम ने जो अपना पैसा खर्च करना था वो पैसा उन्होंने विश्वा कंपनी के ऊपर डाल दिया। ये सबसे पहला बिंदु था इस पूरी परियोजना में जिससे ये योजना गड़बड़ाई थी। रिजवान भाई, इस पूरे मामले में आपका क्या आंकलन है? देखिए, जब नर्मदा जल की जब शुरुआत हो रही थी, जब पेपर पर सारा वर्क था, जब ही से एक समिति बनी नर्मदा जल को इसका विरोध करने के लिए कि प्राइवेट, आखिर ये प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया जा रहा है, इसको सरकारें क्यों नहीं कर रही, जब केंद्र सरकार 80% पैसा दे रही है, नगर निगम लोन उठा रहा है बैंक के माध्यम से, तो जब 100 करोड़ रुपये सरकार सार्वजनिक या पब्लिक का पैसा जो है और सरकारें पैसा इसमें दे रही हैं, तो इसको एक निजी मोड में क्यों दिया जा रहा है इसको। उस समय इन्होंने ये सब चीज़ें जो अभी तकलीफें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को उस समय बता दिया गया था। उस कमेटी ने लंबे समय तक इसका विरोध भी किया कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, पानी बहुत महंगा होगा, मीटर लगेगा, लोग परेशान होंगे, उन सब का अभी 250 रुपये में जो पर मंथ पानी मिलता था 200 रुपये में पहुँच गया। यदि ऐसी स्थिति रही तो और उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, नर्मदा जल आए दिन विश्वा कंपनी हाथ खड़ा कर देती है, नगर निगम को उनकी शर्तें मानना पड़ती हैं, कब तक और कहाँ तक पहुँचेगा बताया नहीं जा सकता, कितना महंगा पानी लोगों को खरीदना पड़ेगा। आज 200 रुपये देने के बाद भी यदि पानी नहीं मिल रहा है तो बहुत ख़राब स्थिति आज की तारीख में शहर के लिए। सही बात है। इसमें कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, संभवतः वो भ्रष्टाचार का ही ज़्यादा इसके अंदर रोल है इस पूरी परियोजना में। ये जब नगर निगम को 10 करोड़ रुपये मिलाने थे तो नगर निगम ने क्या किया था कि अपने जो हिस्से का जो पैसा था वो उन्होंने विश्वा के माथे मंड दिया था कि विश्वा इस पैसे को इसके अंदर लगाए और बाकी जो अगले 20 साल तक के परियोजना के तहत जो घरों में पानी पहुंचाना है और उससे जो पैसा आना है वो विश्वा वसूल करे। असल में यहाँ से सारे विरोध की शुरुआत हुई थी और लोगों ने इसका विरोध किया था, लोग सड़कों पर आए थे, खूब आंदोलन हुए थे। उसके बाद में कुछ अमिटमेंट ये हुए कि इसके अंदर ये शर्त लागू नहीं थी, अगर आपके घर में पानी है तो आप वो पानी किसी और को नहीं दे सकते। इसी तरह मतलब ये योजना चलती रही, आज तक उसके अंदर काम चल रहा है, 10 साल हो गए इस योजना को चलते हुए, काम अब तक ही चल रहा है, सड़कें अभी तक खुदी हुई है, पानी लोगों को नहीं मिला है, बीच में इन्होंने एयर वाल्व्स नहीं बनाए, बताया जा रहा है कि एयर वाल्व्स नहीं बनने की वजह से ही पानी की जो सप्लाई की खंडवा में बाधित हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है। दूसरा ये है कि नागचून और सुक्ता इन दोनों ही जल स्रोतों को फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या नर्मदा जल लाने के लिए ये बात तय हुई थी कि नर्मदा और सुक्ता का पानी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नर्मदा का जल दिया जाएगा, बावजूद इसके नागचून से भी पानी आ रहा है, सुक्ता से भी पानी आ रहा है, तो विश्वा ने क्या किया है यहाँ पर? बिल्कुल, ये बात जब आप एक निजी कंपनी को काम देने जा रहे थे तो निजी कंपनी ने सबसे पहले अपना हित देखा, उसने देखा कि कहीं लोगों को नागचून और वहाँ से जसवाड़ी ऊपर जो भगवान सागर से पानी मिलता रहा शहर को, तो उनके उस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उन्होंने 2-3 क्लास लाए इस एग्रीमेंट के अंदर कि जो पुराने इनके जो भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उनको बंद किया जाए, लोगों के निजी कुएं बंद किए जाएं, उनके ट्यूबवेल्स बंद किए जाएं, हैंडपम्प नए खोदने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि लोगों को किसी अन्य सोर्स के भरोसे उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इतने 3 मंजिला तक पानी जाएगा, 2 फीट ऊपर पानी नहीं जा रहा है और 200 रुपये का पानी दे रहे हैं। तो कुल मिला के इन्होंने पहले फाउंडेशन करने की पूरी हाथ बांधने की कोशिश की ताकि इन पर डिपेंडेंसी बढ़े। जब इन पर डिपेंडेंसी आई, ये उसको डिस्ट्रीब्यूशन में फेल हो गए, तो इन्होंने रोजाना हाथ खड़े करना शुरू कर दिया, नगर निगम को बाध्य किया उनकी शर्तें मानने के लिए। आज की हालत यह है कि अब इस तरफ शहर अब डिमांड कर रहा है कि भाई इस
निजी कंपनी से मुक्ति मिले, नगर निगम वापस अपने हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन ले, सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले, आप कब तक सरकारों से पैसा लेके उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे और निजी कंपनी मालिक बनी रहेगी उसकी? ये बड़ा सवाल है। क्या ये संभव है कि जब MOU साइन हो चुका है, विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर को सारी व्यवस्थाएं इन्होंने दे दिए, उसके बाद में नगर निगम इसे अपने हाथ में ले सकती है, खुद संचालित कर सकती है? इनके पास एक लीगल रास्ता बचा हुआ है, जो कि लीगल में एग्रीमेंट में इन्होंने बात तय की है कि बिना इसके वो न्यायालय में नहीं जा पाएगा और फलाने जो भी चीज़ें, बाकी आज जब ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इसको आधार बनाकर कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा, पैसे लेके पानी नहीं मिल रहा, इसको आधार बना के न्यायालय में जाया जा सकता है और एक निजी कंपनी से मुक्ति मिल सकती है और नगर निगम वापस अपने हाथ में इस व्यवस्था को लेगा तो लोगों को राहत महसूस होगी। सही बात है। दूसरे और पानी को लेकर के लगातार खंडवा पिछड़ा हुआ ही रहा है। पहले बहुत सारे जल स्रोत थे यहाँ पे खंडवा में, नागचुन था, सुक्ता था, भगवान सागर है, उसके अलावा हर मोहल्ले के अपने कुएँ हुआ करते थे। आज भी शहर के बहुत सारे इलाके हैं, जैसे हम संजय नगर चले आए तो वहाँ पर जैन का कुआँ कहलाता था, माली कुआँ आ जाए तो माली कुआँ में एक कुआँ था। तो ये सारे जो जल स्रोत थे, ये पानी की लोगों को सप्लाई करते थे, आज भी बहुत सारे इनमें से जल स्रोत जिंदा हैं जो पानी की सप्लाई भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ये जो 200 करोड़ रुपए की परियोजना आई है, इस परियोजना के आने के बाद से लगातार लोग पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन लोगों ने जो शहर की सड़कें खोदी थी, जो गड्ढे किए थे, उसको लेकर के 2 साल तक के लोग परेशान होते रहे, 3 साल तक के। आज भी पानी की वही स्थिति बनी हुई है। शहर में लगातार बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नर्मदा की पाइपलाइन आज तक पहुँची ही नहीं है। यहाँ ये माना जा रहा है कि जो विश्वा है, विश्वा को वहाँ से कोई खास रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। इस मामले में आप क्या कहेंगे कि आज भी मतलब शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नर्मदा जल नहीं पहुँच रहा है? बिल्कुल, विश्वा ने पहले पानी अपनी पाइपलाइनें 19 क्षेत्रों तक पहुँचाएँ जहाँ उसको लगता था कि रेवेन्यू जनरेट वो कर पाएंगे, महंगा पानी बेच पाएंगे, उनका महंगा पानी जिन क्षेत्रों में लोग खरीद पाएंगे वहाँ उनकी प्राथमिकता रही। आज जो शहर के पिछड़े एरिए हैं या थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर बस्तियाँ हैं, वहाँ वो उनकी कोई इच्छा नहीं पहुँचाने की उसको। आज भी लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। तो इसका जो हल एक ही एक जो बात शहर में उठी, मोटी बात जिनको हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से बीच में रहते हैं, तो ये बात प्रमुख रूप से उठ रही है कि लोग अब निजी कंपनी के जल वितरण से मुक्ति चाहते हैं। कई इलाके शहर के अंदर भी ऐसे हैं, शहर के मध्य में भी हैं, जहाँ पर नर्मदा जल की पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है अब तक के। हालांकि संजय नगर, दादाजी वार्ड, ये जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने मेन लाइन तो छोड़ दी है लेकिन कनेक्शन नहीं दिए हैं, लोगों को पानी के लिए उन्हीं पुराने स्रोतों पर आश्रित होना पड़ रहा है जिन पर अब तक के वो आश्रित थे। तो जो 200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, 200 करोड़ रुपये के बाद शहर ने ये सोचा था कि मतलब पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी, हर रोज़ पानी मिलेगा, लेकिन नर्मदा जल से भी एक दिन की आड़ से ही लोगों को पानी मिल रहा है। समय भी उसका बंधा हुआ है, अधिकतम एक घंटा पानी आता है। ये जो सारी व्यवस्थाओं में बदलाव की बात थी, ये व्यवस्थाएँ भी पूरी तरह फेल हुई है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पानी का एक तो पहली बात कि इनका जो फोर्स था उस पर तो फेल हुए हैं। टाइमिंग 15 मिनट, एक घंटा बहुत मैक्सिमम बोल दिया आपने, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बस इतने, और उसमें भी कम फोर्सेस से पानी। तो लोगों को इन्होंने जो बोला 24 घंटे पानी देंगे, 3 मंजिला तक पानी जाएगा, ठीक है, यदि आप इन चीज़ों को आप जमीन पे वास्तविक धरातल पे ये लेके आते तो दूसरे सोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग आपको डिस्ट्रीब्यूशन यदि मजबूत रहता, आपका अच्छा रहता वितरण आपका, तो ये समस्या ही नहीं होती। और ये फिर से वही स्थिति उसी चौराहे पे दोहराए पे आके लोग खड़े हो गए कि आज फिर वही जो 10 साल पहले जो स्थिति थी, इतने बड़े प्रोजेक्ट आने के बाद भी शहर वापस वही स्थिति में खड़ा। तो संतुष्टि तो मेरे ख्याल से आम नागरिक संतुष्ट नहीं है इस व्यवस्था से बिल्कुल। तो रिजवान भी, क्या सोचते हैं आप इस जो खंडवा में जल प्रदाय वाली जो पूरी योजना है या पूरी जो व्यवस्था है, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे शहर की जल प्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, मजबूत हो सकती है, लोगों को बगैर परेशान हुए पानी मिल सकता है? पहला तो जो अभी इनका जो पाइपलाइन का इशू है, रोज पाइपलाइन फूट रही है, विधायक देवेन वर्मा ने प्रपोजल शासन को दिया कि नई पाइपलाइन डाली जाए, तो वो काम तो एक प्राथमिकता से किया जाए, क्योंकि आगे नगर निगम को व्यवस्था मिलती है नहीं मिलती है वो अगला स्टेप हो सकता है। त्वरित रूप से लोगों को इस गर्मियों के पहले राहत मिले कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर इस पाइपलाइन को जहां से रोजाना फूटती है या नया डिस्ट्रीब्यूटर पैरेलल को पाइपलाइन डल सकती है वहां से,
तो वो डालने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आने वाली गर्मियों में जो भीषण जल संकट की स्थिति बनते हमको अभी से नजर आ रही है उससे राहत मिल सके। एक पहली व्यवस्था तो ये की जाए। उसके बाद यदि कोई लीगल वे, यदि उसके बाद भी स्थितियां नहीं ठीक होती, वितरण व्यवस्था नहीं ठीक होती, तो फिर न्यायालय को, नगर निगम को किसी माध्यम से या पहले सरकार के पास अपनी बात रखे, सरकार से भी बात, यदि ऐसा लगता है कि सरकार के हाथों में चीजें नहीं है तो फिर लीगल रास्ता अपनाने की जरूरत है उसके बाद। एक मिनट। बधाइयां और दशहरे और दीपावली पर्व की अग्रिम बधाइयां देता हूं, धन्यवाद। साथियों, मैं नितिन खुशालानी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि और अग्रिम विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। बड़े खुशी के साथ मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खंडवा शहर में मध्य प्रदेश का एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ चैनल SW24 जो अब हमारे खंडवा शहर में भी स्टार्ट हो गया है, और हमें खुशी इस बात की है कि अब खंडवा की सारी न्यूज़, खंडवा के सारे समाचार पूरे प्रदेश में इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी को आसानी से मिल जाएंगे, और खंडवा शहर की सारी न्यूज़, सारी सूचनाएं हमें इस न्यूज़ चैनल के जरिए पूरे प्रदेश में जा सकेंगी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ SW24 चैनल को, पूरे शहर को, जो हमें ये एक नई सौगात खंडवा में दी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस का ये कहना पड़ता है कि खंडवा में जो नर्मदा जल योजना है वो उनके शासनकाल में आई थी जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, लेकिन खंडवा में जब ये योजना लागू हुई तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, खंडवा में विधायक भी भाजपा के थे, सांसद भी भाजपा के थे और महापौर भी भाजपा के थे। दोनों दल इसे लेकर हमेशा आमने सामने रहे हैं। इस मुद्दे पर हम रिजवान भाई से बात करेंगे। रिजवान भाई, इस बारे में क्या सोचते हैं? धन्यवाद। ब्रेक के बाद जो बात आई है कि इस पूरे मूवमेंट पर, प्रोजेक्ट पर राजनीति कैसी हावी रही, कांग्रेस के, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर सेंट्रल में, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनका कहना है कि अरुण यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे, अरुण यादव का कहना है कि इस पूरी योजना को स्थानीय जो कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने जाके उसका वहाँ पर प्रोजेक्ट, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बात रखी अपनी, और शासन ने इसको एग्री किया, इस पर एग्री किया था। 80% पैसा सेंट्रल का आना था, पीपीपी मोड में आया, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत पीपीपी मोड में आया, और सेंट्रल ने इसके लिए 80% राशि दी, राज्य सरकार ने 10% राशि दी, नगर निगम को 10% देना था। जब नगर निगम को 10% देने की बारी आई तो नगर निगम ने वो अपनी लायबिलिटी भी बैंक के माध्यम से लोन लेके विश्वा के हाथों ट्रांसफर कर दिया। नगर निगम इस पूरा प्रोजेक्ट में ये देखा जाए तो कहीं से एक रुपए भी नहीं लगा नगर निगम का। नगर निगम ने एक महती योजना को एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाने दिया। नगर निगम यदि इस पर आपत्ति लेती, नगर निगम जनहित की चीजों को सामने रखती, वो जनहित की लड़ाई यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं ने लड़ी, जो स्थानीय संगठन आए उन्होंने लड़ी कि ये आगे हमको परेशानियां हो सकती हैं। इसमें एक दिक्कत ये भी आई कि मतलब जब ये लड़ाई लड़ी तो भाजपा ने ये समझा कि जो सामने जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और भाजपा ने पूरी तरह इस योजना का बचाव किया। जबकि कांग्रेस तो इसमें थी नहीं। हाँ, जबकि कांग्रेस तो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं थी, बिल्कुल दूर से तमाशा देख रहे थे कांग्रेस इस मामले में। वो स्वयं सभी संगठन, जो सामाजिक संगठन इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, नर्मदा जल संघर्ष समिति बनी, बिल्कुल स्थानीय स्तर पर बहुत इसमें लंबा संघर्ष किया उन्होंने, हस्ताक्षर अभियान चलाया मोहल्ले मोहल्ले जाके उन लोगों ने। कांग्रेस तो इस लड़ाई में कहीं दिखी भी नहीं है। कांग्रेस के बहुत संभ्रांत लोग इस पूरे आंदोलन में जुड़े थे साथ। बिल्कुल, कांग्रेस कहीं से इतना भी नहीं कर पाई कि उन लोगों के साथ खड़े हो जाए। शुरुआत में कुछ कांग्रेस नेता आए भी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से इसमें साथ में शामिल हुए, तो लड़ाई एक निष्पक्ष रूप से लड़ाई वो लोग अपना आंदोलन चला रहे थे, जो स्वयंसेवी संगठन थे। भाजपा ने समझे कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके पीछे है, तो कांग्रेस भाजपा इसके बचाव में लग रही। जब भी इसका विरोध हुआ भाजपा इसके पक्ष में खड़ रही, हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, लेके आएंगे। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इस बात को समझने में चूक कर गए कि यदि इसमें ये जो समस्या है, जो वितरण में ये फेल हो गए या ये पाइपलाइन ऐसे फूटेंगी, इसका आकलन करने में ये लोग फेल हो गए, केवल उन्होंने एक ही पक्ष पे चले कि पाइपलाइन लेके आना है पाइपलाइन। एक और योजना बहुत अच्छी थी, शहर के लिए बहुत हितकर थी, लेकिन उसके पीछे के जो दुष्प्रभाव होने वाले थे उसके ऊपर कहीं आकलन नहीं किया गया, उसका कहीं कोई तोड़ नहीं निकाला। बिल्कुल, कुछ लोगों ने, जानकार लोगों ने बात भी रखी कि नागचून आपके करीब है, आप वहां से लाके पाइपलाइन के थ्रू नर्मदा जल का पाइपलाइन यहाँ डाल सकते हैं, नागचून में डाल के डिस्ट्रीब्यूशन पुरानी व्यवस्था जैसे रखें। लेकिन उसकी क्षमता के ऊपर सवाल उठाएगा, दूसरा
कंपनी को ऐसा लगा कि कहीं ये सारे सूत्र तो उसके हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि पानी तो लॉकिंग करके देना उनको। हाँ, यदि पुराने सिस्टम से होगा तो उनके हाथ में लॉकिंग सिस्टम तो आएगा नहीं। हालांकि अगर नागचुन से देते तब भी वो 15 वार्ड को ही पानी पहुंचा सकते थे उससे। बिल्कुल। और ये व्यवस्था कंपनी को ऐसा लगा कि लॉकिंग सिस्टम तो ताला चाबी तो उनके हाथ में आएगी नहीं, पुराने वितरण में सब खुला नगर निगम के हाथ में चाबी है, तो उन्होंने पूरा पैरेलल सिस्टम डाला अपना। उस पैरेलल सिस्टम से अपनी टंकियां बनाई, नगर निगम की टंकियां भी उपयोग नहीं की उन्होंने, कोई टंकी नहीं, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर लाइनें वार्डों में डाली अपनी लाइनें उन्होंने, तो इसकी पूरी चाबी अपने हाथ में रख, फिर मीटर उनकी प्लानिंग थी मीटरिंग की तरफ जाने की, मीटर लगाएंगे, मीटर का विरोध हुआ सबसे बड़ा, तो उन्होंने फिक्स रेट 200 रुपए लेके आ गए। सही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने सारे सूत्र अपने हाथ में रखने के चक्कर में गलतियां करती गई शायद, ये मतलब जो भाजपा ने जो बचाव करी इसका कंपनी का, हो सकता है इसी वजह से कंपनी के हौसले भी बढ़े। बिल्कुल। कि ये सारे सूत्र अपने हाथ में रख लें, वसूली वाला पैसा अपने हाथ में रख लें। बिल्कुल। हाँ ठीक है। और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे या तो जाने अनजाने में वो इसमें बहते चले गए नर्मदा जल के जो कंपनी के साथ में, या कहीं हित अहित की स्थिति थी उसके उसके चलते उन्होंने लोगों के जनहित को अनदेखा किया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वही मतलब राजनीति इसके ऊपर पूरे समय पूरी तरह हावी रही है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने जब दूसरे जब चुनाव का मौका आया तो कांग्रेस ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया खंडवा में महापौर के चुनाव में। खंडवा नगर निगम में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस का मुख्य मुद्दा यही था, इन्होंने पिछली परिषद के ऊपर कांग्रेस भाजपा के दूसरे नेताओं के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए और ये कहा कि ये योजना इनकी वजह से सफल नहीं हो पाई है। हालांकि पानी को लेकर हम राजनीति नहीं करना चाहते, यहाँ पर राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहते, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगाना चाहते हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता ये कह रही है कि आज भी नर्मदा जल उन्हें नहीं मिल रहा है, जिन भी क्षेत्रों में जा रहा है वहाँ पर पानी या तो कहीं जगह गंदा जा रहा है, कहीं पर पाइपलाइन फूटी हुई है, कहीं पर दो दो दिन में एक बार पानी मिल रहा है, कहीं पर 10 से 15 मिनट पानी आ रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आज भी मतलब जो अव्यवस्थाएं वो आज भी विद्यमान है। इसके अंदर राजनीति कहाँ अपना दखल दे सकती है ताकि ये योजना अच्छे से चल सके, अच्छे से संचालित हो सके, लोगों को उसका पूरा लाभ मिल सके। बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी स्थितियाँ जनप्रतिनिधियों के हाथ में है, भाजपा की सरकार स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है, जनप्रतिनिधि भी भाजपा के लीड कर रहे हैं, इसकी जो लकुना है, जो कमियां रह गई हैं, इनको शट आउट करके कंपनी को साथ लेके, क्योंकि अब इनकी कानूनी बाध्यताएं भी एकदम से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, सही है। सारे पक्ष बैठ के इसका कोई अच्छा हल, जानकारों को बुलाएं, विशेषज्ञों को बुलाएं जो जल वितरण के क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं, और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यदि इन सबको साथ में लेके बैठे हैं, इसकी तकनीकी खामियां दूर किया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगा गया, विधायक ने प्रपोजल दिया हुआ है, यदि अभी भी इस पर 4-6 महीने साल भर अच्छा पूरा इस पर मूवमेंट पे काम करके उसको वापस सुधारा जा सकता है, स्थितियां हाथ से निकली नहीं है। सही है। सभी दल अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो खंडवा में पेयजल की व्यवस्था वापस सुदृढ़ हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। इंदौर और भोपाल के बाद खंडवा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर नर्मदा जल लाया गया, नर्मदा जल भरपूर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, साल भर पानी आराम से पुराया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि दोनों दल साथ में बैठें, दोनों दल मिल बैठ करके बात करें और इस योजना को कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता है इसके ऊपर चिंतन करें। आप इसके अंदर कुछ और बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल जो बात है, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, पार्टी लाइन से हटके आना पड़ेगा, प्रशासन को आना पड़ेगा, कंपनी को आना पड़ेगा, तभी कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है इसमें। तो रिजवान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की पत्रकार वार्ता में हमारे साथ रिजवान अंसारी मौजूद थे, उन्होंने नर्मदा जल को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो परेशानी आ रही है, सब पर खुलकर बात करी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास अगर कोई मुद्दे हों तो आप भी बताइए हमें, शहर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर बात करें, उन मुद्दों की बाल की खाल निकालें ताकि हम नेताओं और प्रशासन तक आपकी बात पहुँचा सकें। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए SW24 न्यूज़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब